भाई तकलीफ पड़ रहा है, तकलीफ आ रही है मन के मुझे गल और डोंगल डोंगर पल्ली से जाके मखदूम कॉलोनी और बंदर तक पहुंचता है। और यहां से जो है अक्सर लोग यहां से गाड़ी वगैरह से सफर करते हैं। और यहां तकरीबन जो है कई सालों से यहां सही रोड नहीं बना हुआ है। चीफ ऑफिसर हो या प्रेसिडेंट हो या काउंसलर हो, सब लोग यही कहते हैं कि 2 दिन के अंदर रोड हो जाएगा। पिछली बार जो है हमारे सामने कई लोगों ने जो है अपने कई लोग गाड़ियों से गिरे, उसके बाद यहाँ चीफ ऑफिसर ऑन द स्पॉट यहाँ पर आए भी, लेकिन कभी यहाँ पर परमानेंट काम नहीं हुआ है। वक्ती तौर पर मिट्टी वगैरह डाल के थोड़ा सा रोड बराबर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है बाज़ मरतबा यहाँ तक हालात पहुँच जाते हैं कि पानी की वजह से रोड नज़र नहीं आ रहा है और कई लोग जो है पानी में गिर चुके हैं। तो इस बार जो है हम खलीफा मोहल्ले से इस रोड के लिए जो है बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। और हम लोगों ने सोचा है, हमारी कमेटी ने भी सोचा है कि इस बार अगर परमानेंट इसका काम नहीं हुआ तो हम लोग जो है ये रोड बंद कर देंगे। हम लोग डायरेक्टली जो है इंतज़ामिया को ये बात कहना चाहते हैं इंतज़ामिया से, उसके बाद जो है हम लोग एक बात भी नहीं सुनेंगे। क्योंकि यहाँ जो तकलीफ हो रही है, जिस तरह से लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह से हम लोगों को ये करना ज़रूरी हो गया है। हम लोग आखिरी बार अपील करते हैं, चाहे किसी भी इंतज़ामिया से हो, किसी भी इदारे से हो, एक मरतबा यहाँ रोड बनना ज़रूरी है। वरना इतने छोटे इलाके में तकरीबन जहाँ पर आधा किलोमीटर भी रोड की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर अगर काम नहीं होगा, और यहाँ तकरीबन जो है पूरा तरक्की इलाके हैं, तरक्की मखदूम कॉलोनी में है, वहाँ सब रोड पड़े हुए हैं, लेकिन ये छोटा इलाका बचा हुआ है, अगर इस मरतबा यहाँ पर रोड नहीं पड़ेगा तो हम लोग ये रोड बंद कर देंगे। देखो हम तो प्रॉब्लम कुछ पड़ रहा है, कुछ सॉल्व कर रहे हैं। हिंगा जो कौनते जो कौन वार्ड जो कौनते है, एग्जैक्टली सी वार्ड ही, ये वार्ड इतनी खतरनाक है, इतनी डेंजर वार्ड ही, कि इतना हिंगा पानी ना है, पानी भरू नस्ते नहीं, ये वार्ड कौन सी मुल्क बना है, वाल कौन सी मुल्क बना है। हिंगा तुकुन जो कौनते इतनी बिजी रोड हो, मिलते मिलते हिंगा तुकुन गाड़ी होता, एकदम गाँव से इतना बिजी रोड बोला हो। हिंगा जो कौनते आम्ही फैमिली के लोग होता, हमारे पटरे अबुल्यो रहता, सब में चढ़मे रहता, अल्लाह ना करो अगर कहीं खाल बीन पड़ ले तेरे अबुल्यो, ये कौन फॉर्म से जवाब दे हो। आम्ही जो कौनते म्युनिसिपालिटी उधर गेले, म्युनिसिपालिटी कौन्सिलरकडे गेले, म्युनिसिपालिटी जो कोणते तिथे जिम्मेदार जे कोणी वाटे त्यांचे तिथे बेसून होते, जे कोणते येतात ते खाल डोला, आम्ही ते टाइमात जे कोणते जिम्मेदार होते त्यांच्याकडे गेले, आमका समूह का देता का पदन दिलासा देता का पदन, हे काम जाऊन होतले, हे काम जातले, हे जो फंड आहे नाही येतं फंड येऊनसो आहे, आमचे जे कोणते एदिशी कामा सबब जे कोणते तकरीबन काही नाही म्हणून 1.5 वर्षापुढे 2 वर्षापुढे हिंगा जे कोणते म्युनिसिपालिटी चीफ ऑफिसर पळून गेलो होतो आणि बाकायदा सांगलो तो हिंगा नलो घालतलो बोलून, नलो घातला म्हणजे तुमका वाट बराबर जातली। आज सर जे कोणते आहे ना नलो घालून गेलो ना वही वाट बराबर करून गेली, आमचे सबब ही वली तकलीफ आहे की जे कोणती वाट आहे, जे कोणते आमचे स्वप्न हिंगा आव्हान जे कोणते गावी आव्हान जे कोणते समजते, आम्ही आमचे नुमाइंदा के काही नुकडून वाढतं का बदलून, आमचे कोम पुढे असो, आमचं नुमाइंदो पुढे असो, आमच्या कोमाचे काही नाव दो, आम्ही जे कोणते आमचे नुमाइंदा नुकडून वाढला मागे, जे कोणतं आमचं नुमाइंदो काय आमची फोनेको खाल्लाय, आम्ही फोने करतात हिंगा जे कोणते म्युनिसिपालिटी कौन्सिलर आम्ही फोने करतात, फोनेको खाल्लाय, फोने रिसिव्ह करणार, एक म्युनिसिपालिटी कौन्सिलर बोलला मागे, एक कोमाचो नुमाइंदो बोलला मागे, तो जे कोणते अर्धी राती झालो फोन उखलू का पब्लिक असो, तेका जे कोणते म्युनिसिपालिटी जे कोणते कोमाचो जे कोणते नुमाइंदो आम्ही नुकडून वाढला तो फोन उखलू, तो फोन रिसिव्ह को करणार जवाब को देणार आव्हामा, त्यासाठी जे कोणते मे मोदी एक आपली एक जाती राहील का प्रधान, इन्शाअल्लाह इन्शाअल्लाह सुम्मा इन्शाअल्लाह नेक्स्ट जे कोणते म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जातो, आमचे जे कोणते मुस्लिम एरिया भीतर जे काय 100% आमका मुसलमान येतो करता, आम्ही तिंगा एक 3-4 कॅन्डिडेटला सोडून करून आम्ही जुजो येऊ, त्याचे भीतर जे कोणते ती कॅन्डिडेट जिंकून आयला मी ती करू पडतात, आमका काय आहे का भुतान, आम्ही हिंगा भडकल्याचं काय असाने आम्ही सीट असून देतात कोणाचा नको, ही समोरडी आज पुढे तुकून इतकीच जाऊन आली ते, त्यासाठी त्यांना जे कोणते आहे कामाचे जे कोणते काही एकच नाही, एक त्यांना फुकटा भीतर सीट मिळता बोलून, त्यासाठी आम्ही जराशी त्यांना मेहनत तो करो, ते कौन्सिलर मेहनत करो, त्यांना वोट पडो, ते कटले वोट आडू शकता का पहिल्या, एक एक नुमाइंदो कटले वोट आडू शकता पहिल्या, त्याची भीतर कटली ताकद आहे का पहिल्या, आम्ही कोणाचा उभे करतात, कोणाचा अडतात, कोणाची मुलगा मुरवत भीतर कोणाचा उभे करतात, कोणी शिफारी दिले, कोणी हे दिले, कोणी ते दिले म्हणून, आमका जे कोणते हिंगा जे कोणते सही आव्हामाचे काम करतो नुमाइंदो का सही आव्हामा घेऊन वतलो आणि आव्हामाचे दर्द दुःख आणि तकलीफी भीतर कामं येतलो, आम्ही का फायदा आहे हिंगा पर हिंगा गाडीओ खाल पडतात, हिंगा बाकायदा गाडीओ खाल पडतात, फॅमिली मिली असतात ही कोणाची, आम्ही कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली आहे का। आंबेडकर का एक बहुत पुराना एरिया है ये, लेकिन तरक्की के कामों से बहुत दूर कोसों दूर
यहाँ पर खासकर जो है रास्तों की तकलीफ, खासकर ये रोड पिछली बार भी मनकल वैद्या, उससे पहले जेडी नाइक, कहीं एमएलए भी आकर यहाँ पर विजिट दे चुके हैं। अभी तकरीबन हाल करीब में चीफ ऑफिसर और तहसीलदार यहाँ पर विजिट दिए थे और उन्होंने वादा किया था कि तकरीबन बारिश से पहले यहाँ पर एक रोड कंप्लीट, एक पक्का रोड बना देंगे। लेकिन जो है तकरीबन बारिश हो के अभी लोगों को इतनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर रोड का कोई दूर दूर तक कोई आता पता नहीं है। असल बारिश के वक्त में इतनी तकलीफ़ होती है कि पानी कहाँ से जा रहा है और रास्ता कहाँ पर है, ये तकरीबन जो है पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर कितने लोग यहाँ पर, कितनी गाड़ियाँ गिरती है और बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम नीचे डोंगर पल्ली दारंटा का एरिया है, जो इधर पानी जो आता है मखदूम कॉलोनी और पूरा गांव का पानी इधर आ जाए, छोटे से नाले में आके इधर जमता है और बाकी सब दूसरे के घरों में सब जाता है। ये पूरा अपने हमारे मालिक की जगहों में से पानी आता है, रोड पर से पानी बह के चला जाता है, इससे सब लोगों को तकलीफ होती है, मोहल्ले वालों को और गाँव वालों को। तो इसको रोड नहीं है,